गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके, मतलब रिजल्ट की डेट कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, है ना, और भी जो भी डाउट रहेंगे। लाइक आपके और डाउट हो जाते हैं कि मतलब आपको जब दिल्ली आना है तो क्या यूपीएससी उसके लिए कुछ पेमेंट करती है, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आखिरी में मैं बताऊंगा कि जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोग टॉपरों से ना वन ऑन वन आपकी जो है डिस्कशन कराएंगे, तो आखिरी में बने रहना, आखिरी में मैं उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है। तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो क्या रहेगी, वो आपकी 30 से 40 दिन के अराउंड रहेगी, जब आपका जो है प्रीलिम्स हो जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स 2 जुलाई को हुआ था, है ना, तो आप इसकी एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं कि 3 से 10 सितंबर के अंदर जो है आपकी डेट आ सकती है, ठीक है। फिर आप देखो, रिजल्ट पे ज्यादा फोकस मत करो। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 160+ बन रहे हैं, तो आप लोग क्या करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि आपका अगर आप प्रिपरेशन यूपीएससी की भी कर रहे होगे, तो आपको क्या है, ये चीज यूपीएससी में हेल्प कर जाएगी, अगर आपके लिए इंटरव्यू की कॉल भी आती है, ठीक है, उसको चालू रखो। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो बहुत आ रहा है, वो हो रहा है कि शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा। तो शेड्यूल जो आपका रहेगा वो सितंबर और अक्टूबर के अराउंड रहेगा। अब ये जो वैकेंसी है ना, ये बहुत ही मिशन मोड में करी गई है, तो इसमें जो है ना डिले होने का कोई चांस नहीं है। लास्ट टाइम तो क्या था, कोविड था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उसमें डिले कर दिया गया था, तो इसमें नहीं होगा। तो आप ज्यादा इधर उधर मतलब तैयारी पे पूरा फोकस रखना है। ये नहीं है कि आराम से घूम रहे हैं, इधर उधर चाय पी रहे हैं, सब में टाइम निकाल रहे हैं, तो वो सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कि लोकेशन क्या रहेगी इंटरव्यू की। देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे देता है कि आपका जो यूपीएससी का जो पैनल होता है ना, वही पैनल इंटरव्यू लेता है। एंड सेकेंडली, जो बेसिकली आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, वो धौलपुर हाउस में होगा, यूपीएससी भवन में, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि जैसे अगर आप दिल्ली से, सपोज आप कर्नाटका से आ रहे हैं, ठीक है, तो यूपीएससी क्या करता है, आपको टीए देता है, ट्रैवलिंग अलाउंस देता है आपका आने का और जाने का फ्लाइट का, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है। नेक्स्ट आता है फिर आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्या रहेगा। देखिए, ड्यूरेशन हालांकि वेरी करता है कि 15 से 35 मिनट तक के बीच में, लेकिन ये जो एक एवरेज देखा गया था, जैसे जब हमने भी दिया था तो उसमें क्या था कि ये था 25 से आपका 30 मिनट तक रहता है, और एक जो आइडियल इंटरव्यू माना जाता है वो 25 से 30 मिनट की साइकिल का ही जो इंटरव्यू है उसको आइडियल बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहता है। अब इसमें एक चीज और डाउट पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग फेल हो सकते हैं इंटरव्यू में। तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। यूपीएससी है, जब सी साइड में इतना पेपर हार्ड बना के फेल कर देगा, तो मित्रों ये तो क्या नाम है, वो वाली बात है कि इसमें तो मार्क्स भी जुड़ रहे हैं, तो इसमें तो ऑब्वियसली रहेगा। हाँ, तो देखो, इन्होंने पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया रखा है कि आपको इंटरव्यू में इतने मार्क्स तो लाने ही है। जैसे जनरल के लिए 50 मार्क्स है, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स है, एंड एससी एसटी एंड जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए आपका 40 मार्क्स है, ठीक है। तो ये आपके पास, हालांकि इसमें कोई फेल होता नहीं है। जनरली आप अगर थोड़ा मतलब अच्छे से सूट बूट पहन के जाओगे, अच्छा वेल मेंटेन्ड वहां पे उनको दिखोगे, और थोड़ा मतलब कोई ब्लंडर काइंड ऑफ ना कर दो, तो आपका फेल होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के। जैसे लास्ट टाइम भी जो हमारे स्टूडेंट थे उनको हमने प्रिपरेशन कराई थी पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, एंड जो लेबर लॉ है एंड जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है वो बताई गई थी, और उसमें से काफी क्वेश्चन जो है मिले भी थे। यही वजह थी कि हमारे जो है 100 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो आप देखिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है कि जैसे जनरल अवेयरनेस रिलेटेड, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन में वो क्या पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है, रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन क्या है ना, तो आपको थोड़ा इंट्रिकेसीज पता होने चाहिए। डेमोक्रेसी में क्या, डेमोक्रेसी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। जैसे भी अभी फ्लड का चल रहा है तो फ्लड का कुछ पूछ सकते हैं वो लोग, है ना, तो ये एक इशू रहता है। देन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड पूछ लेंगे कि मतलब आपने अगर जैसे सपोज किसी ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करा है, तो उससे पूछ लेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। अब जैसे कुछ एस्पिरेंट्स थे, उनसे जैसे लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल रिलेशन था उसके बारे में काफी डिटेल में पूछा गया था, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। हालांकि जिन्होंने अच्छा आंसर दिया था उन्हें मार्क्स भी अच्छे मिले थे। तो जो हमारा जो लेक्चर सीरीज चलेगा, या अगर जो पेड बैच रहता है उसमें क्या रहता है कि लेबर लॉ और उसके अलग से जो है ना इंटरव्यू स्पेसिफिक, क्योंकि आपका भी वो स्टेज तो देख ले, उन्होंने जो नॉलेज है,
लेकिन आप इंटरव्यू में किस तरीके से उसको मोल्ड करें उसके बारे में पूरा बताया जाता है पेड बैच वाले में। अब देखो इसमें डेफ क्या, जैसे जब डेफ आएगा ना तब मैं इसको पूरा शेयर कर दूंगा और मैं जो अपना डेफ है ना वो भी शेयर कर दूंगा लास्ट टाइम वाला, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं आपको एपीएफसी का भी एक डेफ शेयर कर दूंगा, जो भी हमारे मतलब सर है उनके एक डेफ है वो शेयर कर दूंगा, तो एपीएफसी का भी आपको डेफ का आइडिया जो है हो जाएगा। अब देखो डेफ में जनरली क्या रहता है, आपकी थोड़ी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं, देन आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स रहती हैं, ठीक है, देन आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है कि सपोज आपने बीटेक करा है तो वो सब रहता है, मतलब आपका लेखा जोखा रहता है जो आपने बचपन से आज तक करा है, गुंडागर्दी करी है तो वो सब नहीं रहता है, ठीक है। अब इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है, देखो तो पहली चीज है कि एक तो आपका जो प्रीलिम्स में जो लोग निकलेंगे उनके मार्क्स में जो है ना ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है, और अगर डिफरेंस हो भी रहा है तो आप उसको कवर कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू में 5 से 10 मार्क्स का एक मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। एंड दूसरा क्या कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है एंड पोस्ट थोड़ी सी कम है, मतलब कितना 577 के अराउंड पोस्ट है, जिसमें 159 आपकी एपीएफसी है एंड 400 प्लस समथिंग कुछ 461 कुछ आप 418 आपकी कौन सी है ईओ की पोस्ट है, तो आप इसको देख लीजिए। तो देखो हमारा जो अभी ग्रुप बनने जा रहा है उसमें हमारा एक जो है जो हमारा पैनल रहता है हर बार का वो हमेशा डाइवर्सिफाइड पैनल रहता है। जैसे इस बार का जो पैनल हमने डिसाइड करा है ना मैं आपको बता दूं उसमें हमने क्या रखा है, क्योंकि यूपीएससी की जो डिमांड है ना उसके हिसाब से इस बार हमारे पैनल में हमने एक तो चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो वो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते वो है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, ठीक है, एक हमारे कौन से हैं जो एक सीनियर ईओ है वो है भैया इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, एक हमारे जो है आईआरएस ऑफिसर भी इसमें रहेंगे, ठीक है, जो कि क्या है कि एक्स एपीएफसी है, उन्होंने मतलब वो एपीएफसी से उन्होंने क्या करा है कि लास्ट टाइम में रिजाइन दे दिया था क्योंकि वो उनका आईआरएस में हो गया था। तो इस तरीके का जो पैनल हमारा रहता है बहुत ही कंसाइज एंड टू द एग्जाम पॉइंट पैनल रहता है। तो आप जो है लिंक दिया है ना जैसे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके ग्रुप पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तो और भी जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी जैसे रिजल्ट आता है आपका डेफ आने वाला है आगे तो उन सबके बारे में प्रॉपर बता दिया जाएगा, ठीक है, थैंक यू।